मटर की कचौड़ी मिक्स अचार के साथ ट्राई करें। आइए हम मटर की कचौड़ी बनाते हैं। ये मैंने लहसुन ले लिया है, इसको बारीक काट लिया है, अदरक क्रश करके ले लिए, दो लाल मिर्च, एक हरी मिर्च और जीरा, काली मिर्च, मटर और मूंगफली दाने। मूंगफली दाने हम लोग इसलिए डालते हैं ताकि क्रिस्पी हो जाती है। मेरा पैन ऑन है, इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। ऑयल डाल दिया, जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक हम अपने मटर और मूंगफली दाने, काली मिर्च, मिर्च और जीरा पीस लेते हैं। ये हमारा ऑयल हो गया है, अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा से फ्लेवर अच्छा आ जाता है। अब इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च तीनों डाल देंगे। ये देखिए हो गया। अब इसमें हम जो हमने पीस के रखा है वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार, नमक ज़्यादा भी मत डालिएगा क्योंकि हम लोग उसमें डालेंगे लाल मिर्च जरा सा, क्योंकि हमने खड़ी पीस ली थी, और हरी भी डाली हुई है, धनिया पाउडर और चुटकी भर गरम मसाला पाउडर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको हम धीमी आँच पे अच्छे से भुनने देंगे। जब ये अच्छे से भुन जाएगा तब इसको हम रख लेंगे, और जब कभी भी आपको बनानी हो तो आप फ्रिज से निकाल के इसका यूज कर सकते हैं। एक दो दिन ये अच्छे से स्टोर हो जाता है। एक्चुअली इसको हम अच्छे से भूनते हैं तो ये ठंडियों में एक दो दिन अच्छे से चलाया जा सकता है। देखिए तैयार हो गया, अब हम कचौड़ी बनाएंगे। ये देखिए हमारी कचौड़ी तैयार हो गई मिक्स अचार के साथ। आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। एक बार ब्रेकफास्ट बनाते समय इसको ट्राई जरूर करें और एंजॉय करें। ये देखिए कितना अच्छा है, इसका टेक्सचर आता है, बिल्कुल गरम गरम है। खाइए इसको। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।